बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक, थोड़ी ही देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी बैठक में होंगे शामिल, बैठक में कई अहम फैसले संभव, बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, थोड़ी ही देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, बड़ी खबर है इस वक्त की, पीएम मोदी बैठक में शामिल होंगे, पीएम मोदी बैठक में शामिल होंगे, केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, कल ही रूस से वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बने और अब सीधे आते फिर से काम पर लग चुके हैं, केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है, कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है, कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, सुबह के 10:30 बजे का वक्त है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का, केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक पर निगाह बनी हुई है, बैठक में कई अहम फैसले संभव हैं जो माना जा रहा है केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। और देखिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए, अदिति क्या कुछ एजेंडा रहेगा आज की कैबिनेट बैठक का? देखिए जब से 2024 के चुनाव के नतीजे आए हैं और मोदी 3.2 है, हर कैबिनेट की बैठक में आपको याद होगा कि पहली जो साइन हुआ था वो किसानों की सम्मान निधि हुई थी, उसके बाद कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए थे, कॉरिडोर्स को लेकर फैसले लिए गए थे, इसलिए इस बार उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र और हरियाणा में कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है तो स्टेट सेंट्रिक किसी भी तरह की स्थिति नहीं होगी, अब जो भी होगा वो मैनिफेस्टो में होगा, लेकिन केंद्र सरकार के इस कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के को लेकर और तमाम तरीके की और नए फैसले किसानों को लेकर भी लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं निकल कर आई है कि आज की कैबिनेट की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात वापस लौटे, विदेश से वापस लौटे रशिया से, और ऐसे में आज जब कैबिनेट की बैठक होगी तो जाहिर तौर पर संभवतः कैबिनेट में तमाम जो सदस्य हैं मंत्री हैं वो उनके एक्सपीरियंस पर भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि चाइना को लेकर एक बड़ा मुद्दा था और चाइना के साथ व्यापार को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि हम व्यापार की बात करते हैं, बिजनेस को लेकर बात करते हैं, ट्रेड का जिक्र होता है, तो जाहिर तौर पर तमाम और FDI की बात कर सकते हैं या तमाम नए जिस तरीके से कॉरिडोर्स को लेकर और इजी क्लियरेंस भारत की जमीन को लेकर, नई इंडस्ट्रीज के सेटअप को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि देखिए हर कैबिनेट की बैठक के फैसलों में हम एक कदम पांचवी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इस कैबिनेट की बैठक में भी कोई बड़े फैसले लेने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन बड़ी बात है क्योंकि देखिए चुनाव आचार संहिता लागू है, दो राज्यों में विधानसभा चुनाव है, झारखंड में और महाराष्ट्र में, ऐसे में कुछ इस तरह के फैसले नहीं लिए जा सकते चुनाव आचार संहिता के चलते, लेकिन कुछ अहम फैसले जिनका जिक्र जरूर हो रहा है जो देश के विकास के लिए, देश के मजबूत होते आधार के लिए संभव है।